बरौनी सिटी बरौनी में स्थित न्यू कार्बन फैक्ट्री बरौनी में फैक्ट्री प्रबंधक जितेंद्र कुमार जी से लोजपा नेता सिंधु सिंह ने फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण पर काफी आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फैक्ट्री के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं है, ना ही कहीं प्लांटेशन किया जा रहा है। वहीं 30 सालों से चल रहे न्यू कार्बन फैक्ट्री में श्रमिक मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर लोजपा नेता सिंधु सिंह ने कार्बन फैक्ट्री प्रबंधक जितेंद्र कुमार जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। 18 साल से कार्यरत श्रमिक मजदूर ड्राइवर पप्पू कुमार, मुकेश सिंह, सुरेंद्र शाह, राजकुमार सिंह आदि को ना परमानेंट किया जा रहा है, ना ही इन्हें उनकी हक मजदूरी दी जा रही है। आज भी यह लोग 12 घंटा ड्यूटी देकर बेसिक वेतन 6,700 दिया जा रहा है, ना ही पीएफ दिया जा रहा है और ना ही मेडिकल की कोई सुविधा, ना ही सेफ्टी का कोई रूल रेगुलेशन है। कार्बन फैक्ट्री के अंदर गुटबाजी होने की वजह से फैक्ट्री के तमाम मजदूरों के साथ शोषण होता रहा है। सिंधु सिंह ने कहा, जल्द से जल्द इन श्रमिक मजदूरों का इनका उचित हक मिले, 18 साल से काम कर रहे तमाम मजदूरों को उनका उचित वेतन मुहैया कराया जाए, परमानेंट किया जाए, नहीं तो आगे की कार्रवाई, अपना हक लेने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करने पर विवश होंगे। वहीं फैक्ट्री के संरक्षक राजू सिंह जी से मिलने पर उन्होंने बताया, जल्द फैक्ट्री के डायरेक्टर सुभाष मणिहार तक आपकी बातों को संज्ञान में दिया जाएगा और उन तमाम मजदूरों को उनका हक जल्द देने की बात कही है। बीएनपी न्यूज के लिए तेगरा से संवाददाता मिराज आलम की रिपोर्ट। फिर से। अभी हम न्यू कार्बन फैक्ट्री बरौनी व्यवसाय के नज़दीक हम अभी आए हुए हैं। ये लगभग 30 वर्षों से ये फैक्ट्री चल रही है। यहाँ भी प्रदूषण के अगर क्षेत्र में आप देखिए तो यहाँ उतना प्रदूषण, उतना जहरीली गैस यहाँ निकाली जाती है जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। यह प्रदूषण सिर्फ ये फैक्ट्री के द्वारा आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा हानिकारक पहुंचा रही है। इससे ना जाने कितनी बीमारी होती है, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, अस्थमा जैसी बीमारी हो रही है, लेकिन इस पर पर्यावरण के नाम पर किसी भी प्रकार का यहाँ योगदान नहीं दिया जा रहा है। फैक्ट्री के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं कई श्रमिक मजदूरों को यहाँ शोषण किया जा रहा है और 7600 रुपया जो 18 साल से 15 साल से यहाँ कार्यरत हैं उनको सिर्फ 7600 रुपया 6800 रुपया वेतन दिया जा रहा है और ना ही उन्हें छुट्टी दिया जा रहा, ना पीएफ भरा जा रहा है। यहाँ सिर्फ शोषण किया जा रहा है और हम लोग इसी के मार्फत आज प्रबंधक से भी मिले, यहाँ के संचालक से भी मिले, उन लोगों ने को अपना विज्ञापन सौंपा है। आगे अगर ये लोग मजदूरों के साथ इस तरह से अगर शोषण करते रहेंगे तो हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। जिस तरह से आज हमने देखा है कि यहाँ किस तरह से मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है, यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे की लड़ाई हमारी जारी रहेगी, जब तक हमारे तमाम मजदूर को सही हक नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ कार्यरत रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे इन लोगों के लिए।